हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम अपने ब्लॉग को गूगल सर्च में कैसे ला सकते हैं। हम कह सकते हैं कि गूगल सर्च कंसोल के लिए वाईफाई कैसे कर सकते हैं अपने ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले हमें गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में हमें सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। ये मैंने सर्च कर एंटर कर दिया। यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस दिखेंगे। आपको ये सेकंड नंबर पे आ रहा है गूगल सर्च कंसोल, search.google.com, यही आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको किसी भी फेक वेबसाइट में इंटरेस्ट नहीं करना है। ये रियल वेबसाइट है, आप लोग देख लीजिए। इसमें कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप डोमेन से भी कर सकते हैं, मैं URL प्रेफर करूंगा। यहाँ पे हमें अपने ब्लॉग का URL देना है। तो यहाँ पे हम जैसे अपने ब्लॉग में जाएंगे, हमें व्यू ब्लॉग में क्लिक करना है। जैसे हम व्यू ब्लॉग में क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अपना URL देखने को मिल जाता है। हम इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे जाके हम कर देंगे इसे पेस्ट, यानी पेस्ट कर दे और कंटिन्यू में हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो चेकिंग वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये HTML फाइल का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन मैं इस मेथड को प्रेफर नहीं करता, तो मैंने इसे क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखिए अदर वेरिफिकेशन मेथड है HTML टैग। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप इसे ही कीजिएगा, ये इजी है। फ्रेंड्स, मैंने ब्लॉगिंग का फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उस वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मैंने फुल ट्यूटोरियल बनाया है और हमें यहाँ पे ये लिंक दिख रहा है, हमें इसे कॉपी कर लेना है। ये मैंने कर लिया कॉपी। अब हम अपने ब्लॉग में जाएंगे। यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में नीचे आइकन दिख रहा है थीम का, हम इसमें क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे थीम के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे एडिट HTML हमें क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हमें फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे हेड का ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखिए मुझे फोर्थ नंबर मिल गया है। यहाँ पर जाने का हमें एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर जो हमने URL कॉपी किया था उसे हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, ये हमने पेस्ट कर दिया। ये सारा HTML वर्क है इसमें। तो यहाँ पे हम इसमें क्लिक करेंगे सेव के आइकन में। जैसे हमने सेव में क्लिक करें, ये प्रोसेसिंग आ रहा है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है प्रोसेस होने। तो फ्रेंड्स, तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपडेट सक्सेसफुल हो गया। अब हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम वेरीफाई में क्लिक कर देंगे। तो ये चेकिंग वेरीफिकेशन ये चेक करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ओनरशिप वेरीफाइड, ये हमारी ओनरशिप वेरीफाइड हो गई है। हम गो टू प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, डन भी कर सकते। तो मैं गो टू प्रॉपर्टी में क्लिक करूंगा। यहाँ पे हम अपना पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू गूगल सर्च कंसोल। यहाँ से स्टार्ट से हम सारे ओवरव्यू कर सकते हैं। तो आप इसके स्टेप्स को फॉलो करते जाइएगा। यहाँ पे आपको कुछ दिन होगा जब आप पूरी तरीके से सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड दिखाई देने लगेगा। तो आप इस तरह से अपने ब्लॉग को या वेबसाइट को सर्चिंग में ला सकते हैं गूगल की। लेकिन मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि आप वेब होस्टिंग बाय करिएगा, नहीं तो आप ये अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, लेकिन वेब होस्टिंग बेस्ट रहेगी इसके लिए, ब्लॉगिंग के लिए।